नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का लोकार्पण किया। कहा, नया भारत अपने प्राचीन मूल्यों को लेकर आगे बढ़ रहा है तथा धर्म के साथ विज्ञान और अनुसंधान की परंपरा को पुनः स्थापित कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से त्रिपुरा और असम के 3 दिन के दौरे पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, भारत G20 समूह की 1 वर्ष की अध्यक्षता के दौरान वैश्विक संस्थानों को सुदृढ़ करने को प्राथमिकता देगा। भारत ने कहा, अफ्रीका की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे आतंकी संगठनों पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का ध्यान देना जरूरी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर अनुमानों में कटौती की। भारत विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अगले वर्ष भारत की मुद्रास्फीति कम होकर 4% पर आने का अनुमान। चीन में कोविड के नए अत्यधिक संक्रामक वेरिएंट का पता चला। और क्रिकेट में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय मैच में दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराया और श्रृंखला 2-1 से जीती। समाचार प्रभात में फरहत नाज के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का लोकार्पण किया। श्री मोदी ने महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना और आरती की। लोकार्पण के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उज्जैन हजारों वर्ष तक भारत के धन ऐश्वर्य और समृद्धि, ज्ञान और गरिमा तथा सभ्यता और साहित्य का प्रणेता रहा है। महाकाल की धरती से विक्रम संवत के रूप में भारतीय कालगणना का एक नया अध्याय शुरू हुआ था। उज्जैन के क्षण क्षण में, पल पल में इतिहास सिमटा हुआ है, कण कण में आध्यात्म समाया हुआ है और कोने कोने में ईश्वरीय ऊर्जा संचारित हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए आवश्यक है कि राष्ट्र अपने सांस्कृतिक उत्कर्ष का स्पर्श करे और गर्व से अपनी पहचान से जुड़ा रहे। किसी राष्ट्र का सांस्कृतिक वैभव इतना विशाल तभी होता है जब उसकी सफलता का परचम विश्व पटल पर लहरा रहा होता है। और सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए भी ये जरूरी है कि राष्ट्र अपने सांस्कृतिक उत्कर्ष को छुए, अपनी पहचान के साथ गौरव से सर उठा करके खड़ा हो जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि नया भारत अपने प्राचीन मूल्यों को लेकर आगे बढ़ रहा है, साथ ही विज्ञान और अनुसंधान की परंपरा को भी सशक्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत अपने प्राचीन वैभव को पुनः स्थापित कर रहा है जिससे समूचे विश्व और मानवता को लाभ होगा। भारत की दिव्यता शांतिपूर्ण विश्व के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। उन्होंने कहा कि भारत का सांस्कृतिक दर्शन एक बार फिर शिखर की ओर है और पूरे विश्व के मार्गदर्शन के लिए तत्पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के लिए धर्म का अर्थ है कर्तव्यों के प्रति सामूहिक संकल्प। हमारे धर्म का लक्ष्य विश्व कल्याण और मानव सेवा है। इसके अनुरूप भारत ने आजादी के अमृतकाल में 5 प्रणों का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि उनका मानना है कि ज्योतिर्लिंगों का विकास भारत की आध्यात्मिक ऊर्जा तथा ज्ञान और दर्शन का विकास है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अनुरूप निर्मित श्री महाकाल कॉरिडोर की अनुमानित लागत 800 करोड़ रुपए है। परियोजना के पहले चरण में महाकाल लोक, रुद्र सागर और धार्मिक महत्व के कई अन्य निर्माण किए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परियोजना का दूसरा चरण 2023-24 में पूरा हो जाएगा।
आध्यात्म और आस्था के समन्वय का नया केंद्र महाकाल लोक आज से आम श्रद्धालुओं के लिए खुल गया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलावे यानी रक्षा सूत्र से बने 15 फुट ऊंचे शिवलिंग से रिमोट के जरिए आवरण हटाकर महाकाल लोक का लोकार्पण किया था। महाकालेश्वर मंदिर और पूरा उज्जैन ही अद्भुत है। प्रधानमंत्री ने भी अपने 29 मिनट के संबोधन और बाद में ट्वीट संदेश में महाकाल लोक को उज्जैन का नया आकर्षण बताया है। श्री मोदी को भी स्मृति चिन्ह के रूप में महाकाल लोक के नंदी द्वार की प्रतिकृति भेंट की गई। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से त्रिपुरा और असम की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज त्रिपुरा राज्य न्यायिक अकादमी का उद्घाटन करेंगी और अगरतला के नरसिंहगढ़ में त्रिपुरा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगी। श्रीमती मुर्मू अगरतला में कैपिटल कॉम्प्लेक्स में एमएलए हॉस्टल का वर्चुअल उद्घाटन करेंगी और त्रिपुरा सरकार के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगी। राष्ट्रपति कल अगरतला रेलवे स्टेशन से गुवाहाटी कोलकाता गुवाहाटी रेलगाड़ी और मणिपुर के खोसांग तथा अगरतला जिरीबाम जनशताब्दी एक्सप्रेस को रवाना करेंगी। कल ही वे आईआईटी गुवाहाटी में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और असम सरकार की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगी और आधारशिला रखेंगी। अपने दौरे के अंतिम चरण में शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू असम सरकार तथा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय की विभिन्न परियोजनाओं का वर्चुअली उद्घाटन और शिलान्यास करेंगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। राजू, हमारी तरफ से ये चेक आपकी बहन की शादी के लिए। सर, बैंक में खाता नहीं है सर। अरे क्यों? खाते में बैलेंस रखना पड़ता है ना। अरे तो बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट खाता खोलो ना, मिनिमम बैलेंस भी नहीं रखना पड़ता। आरबीआई कहता है सिर्फ आधार कार्ड लाओ और खाता खोलो, साथ ही फ्री में एटीएम डेबिट कार्ड पाओ और अपने खाते में से महीने में 4 बार तक पैसे निकालो, डिपॉजिट चाहे कितनी भी बार करो, बस खाता खोलो और लंबी इनिंग खेलो। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जागृति का कहना है कि प्रत्येक विक्रेता ये विवरण देगा कि वस्तु किस देश में निर्मित है। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी जागो ग्राहक जागो। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत विकसित और विकासशील देशों के G20 समूह की एक वर्ष की अध्यक्षता के दौरान बहुपक्षीय संस्थानों को मजबूत करने को प्राथमिकता देगा। वाशिंगटन में एक संगोष्ठी में उन्होंने कहा कि बहुपक्षीय संस्थानों को मजबूत करने की आवश्यकता है और महामारी या ऐसे दबाव वाली वैश्विक घटना से निपटने के लिए उनकी क्षमता भी बेहतर बनाई जानी चाहिए। वित्त मंत्री अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की बैठक में शामिल होने के लिए अमेरिका में हैं। उन्होंने कहा कि बहुपक्षीय संस्थाएं पहले से अस्तित्व में हैं, लेकिन कई समस्याओं का समाधान नहीं हो सका है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 समूह की अध्यक्षता करेगा। इस दौरान भारत समूह की 200 से अधिक बैठकों की मेजबानी करेगा, जिसमें G20 के नेताओं का शिखर सम्मेलन भी शामिल है। ये सम्मेलन अगले वर्ष 9 और 10 सितंबर को होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वाशिंगटन डीसी में अमेरिका के वित्त मंत्री से मुलाकात की है। दोनों नेताओं ने परस्पर हित के मुद्दों के साथ वर्तमान वैश्विक आर्थिक स्थिति पर चर्चा की। वित्त मंत्रालय ने बताया कि दोनों मंत्रियों ने G20 समूह की भारत की अध्यक्षता को देखते हुए विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की। वित्त मंत्री सीतारामन ने अमेरिका भारत आर्थिक और वित्तीय साझेदारी बैठक में भाग लेने के लिए अमेरिकी वित्त मंत्री को भारत आने को आमंत्रित किया। वित्त मंत्री के रूप में ये सुश्री जेनेट येलेन की पहली भारत यात्रा होगी। वित्त मंत्री सीतारामन इस समय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों में भाग लेने के लिए अमेरिका में हैं। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने निश्चित समय में 200 करोड़ कोविड रोधी टीकाकरण की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है, जो भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली की क्षमता दर्शाता है। उन्होंने कहा कि भारत ने ये उपलब्धि तब हासिल की जब महामारी के दौरान पूरी दुनिया भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली क्षमता को कम आंक रही थी। महिला बाल विकास मंत्री ने कल नई दिल्ली में
14वें फिक्की हेल्थकेयर एक्सीलेंस अवार्ड 2022 दिए जाने के अवसर पर महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों, विशेष रूप से आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के अनुकरणीय योगदान की सराहना की। भारतीय जनता पार्टी गुजरात में आज और कल 5 अलग अलग मार्गों पर गुजरात गौरव यात्रा का शुभारंभ करेगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा का उद्देश्य विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में जनता के साथ संपर्क बनाना है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज दो मार्गों से यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। पहली यात्रा उत्तर गुजरात के मेहसाणा जिले के बहुशराजी से कच्छ जिले के माताना मठ तक जाएगी, जबकि दूसरी यात्रा सौराष्ट्र क्षेत्र के द्वारका से पोरबंदर तक निकलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल अन्य तीन मार्गों पर यात्रा की शुरुआत करेंगे, जिसमें से एक अहमदाबाद जिले से जबकि अन्य दो दक्षिण गुजरात के नवसारी जिले से होंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, मनसुख मांडविया, परषोत्तम रूपाला और अनुराग ठाकुर सहित प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्य सरकार के मंत्री विभिन्न स्थानों पर इस गौरव यात्रा में शामिल होंगे। इस बीच प्रदेश भाजपा ने कल सभी 182 विधानसभा क्षेत्र में सरकार की विभिन्न पहलों और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एलईडी रथ का शुभारंभ किया। अपर्णा खुन, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र में शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट को दो तलवार और ढाल चुनाव चिन्ह दिया है। सोमवार को इस गुट को बालासाहेबांची शिवसेना नाम दिया गया था। उद्धव ठाकरे गुट को मशाल प्रतीक चिन्ह मिला है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी का नाम शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे होगा। जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने तब लोकतंत्र का सिस्टम लोकतंत्र का सिस्टम। जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने तब लोकतंत्र का सिस्टम लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन। और अब आगे बढ़ने से पहले एक नज़र मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का लोकार्पण किया। कहा, नया भारत अपने प्राचीन मूल्यों को लेकर आगे बढ़ रहा है तथा धर्म के साथ विज्ञान और अनुसंधान की परंपरा को पुनः स्थापित कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से त्रिपुरा और असम के तीन दिन के दौरे पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, भारत G20 समूह की एक वर्ष की अध्यक्षता के दौरान वैश्विक संस्थानों को सुदृढ़ करने को प्राथमिकता देगा। भारत ने कहा, अफ्रीका की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे आतंकी संगठनों पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का ध्यान देना जरूरी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर अनुमानों में कटौती की। भारत विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अगले वर्ष भारत की मुद्रास्फीति कम होकर 4% पर आने का अनुमान। चीन में कोविड के नए अत्यधिक संक्रामक वेरिएंट का पता चला। और क्रिकेट में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय मैच में दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराया और श्रृंखला 2-1 से जीती। मैं भारत हूँ, देखिए मेरी ओर, पहचानिए मुझे। वी आर वन ऑफ द मोस्ट मेगा डाइवर्स कंट्रीज ऑन दिस प्लैनेट। हमारी शादियाँ, हमारे फैशन स्टेटमेंट सारे इंस्पायर्ड हैं हमारे सिनेमा से। 75 साल का नौजवान भारत। व्हाट वी आर रियली गोइंग टू सी इंडिया बिकम इज अ पावर हाउस। इंडिया 2.2 द जर्नी ऑफ इंडिया 14 अक्टूबर से प्रत्येक शुक्रवार शाम 7 बजे हिंदी में और रात 10 बजे अंग्रेजी में डीडी नेशनल पर। भारत ने कहा है कि अफ्रीका में सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके आतंकवादी गुटों पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को ध्यान देना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा काम्बोज ने कहा कि अफ्रीकी लोगों को दरकिनार करके वहां की समस्याओं के बाहरी दखल से समाधान की पेशकश उनके हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि अफ्रीका भारत की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर रहेगा। भारतीय प्रतिनिधि ने ये बात दोहराई कि क्षेत्रीय कूटनीति, मध्यस्थता, सुलह समझौते और सुरक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए सामूहिक प्रयासों से इस महाद्वीप में
शांति स्थापित की जा सकती है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की श्रेणी में अफ्रीका को प्रतिनिधित्व दिए जाने से लगातार इनकार करना ऐसी ऐतिहासिक गलती है जिसे जल्द से जल्द सुधारे जाने की आवश्यकता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अफ्रीका में शांति स्थापित करने की पहल करने की ओर ध्यान देने की भी मांग की। उन्होंने ये भी कहा कि विकसित देशों के प्रमुख दानदाता देशों को समुद्र पारीय विकास सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता बढ़ानी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वैश्विक वृद्धि दर वर्ष 2021 के 6% से कम होकर 2022 में 3.2% और 2023 में 2.7% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। मुद्रा कोष ने कहा है कि वैश्विक वित्तीय संकट और महामारी के गंभीर दौर को छोड़कर 2001 के बाद से ये सबसे धीमी वृद्धि दर होगी। मुद्रा कोष ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अमरीका, चीन और यूरो क्षेत्र में आर्थिक धीमापन जारी रहेगा। चीन में ओमिक्रॉन के दो नए वेरिएंट BF7 और BA5.1.7 का पता लगने के बाद लॉकडाउन और यात्रा प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। ये दोनों वेरिएंट अधिक संक्रामक और तेजी से फैलने वाले हैं। BF7 का 4 अक्टूबर को शुगुआन शहर और एंताई में पता लगा था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अत्यधिक संक्रामक BF7 के प्रति अधिक सतर्कता बरतने की सलाह दी है। इस बीच चीन के गोल्डन वीक के दौरान छुट्टियों में खरीदारी पिछले 7 वर्ष के सबसे निचले स्तर पर आ गई है। चीन के मुख्य भाग में कोविड के नए संक्रमण बढ़ रहे हैं जिसके कारण आवाजाही पर नियंत्रण कड़ा कर दिया गया है। सुर्खियों में सवेरे कार्यक्रम में आइए सुनते हैं मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और समाधान पर चर्चा। चर्चा में भाग ले रहे हैं मानव व्यवहार और संबंध विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉ राजेंद्र के धमीजा और आकाशवाणी संवाददाता ओमवेश उपाध्याय। डॉक्टर राजेंद्र कुमार धमीजा, इस वर्ष के मानसिक स्वास्थ्य दिवस की थीम है मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को वैश्विक प्राथमिकता बनाएं। कृपया हमारे सुनने वालों को इसके महत्व के बारे में समझाइए। WHO ने इस वर्ष का जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है उसका थीम दिया है मेक मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी। तो ये मतलब है कि हम सब लोगों को इस समय पर इसको एक प्रायोरिटी के रूप में लेना चाहिए और विश्व स्तर पर ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। किसी में भी डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो पश्चिमी देश हैं, चाहे वो लो इनकम कंट्रीज हैं या हमारे जैसे देश हैं जो मिडिल इनकम कंट्रीज में आते हैं, और उन सब में मानसिक रोग को प्राथमिकता दी जाए। यही एक मकसद है WHO के इस वर्ष के थीम को चुनने का। मानसिक बीमारी जो है ये भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी की फिजिकल हेल्थ है हमारी। इसी मकसद से ही हम आगे इस वर्ष वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे में लेके जा रहे हैं, और ये एक लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो आज के दिन पूरे विश्व में मनाई जा रही है। बिल्कुल सर, लेकिन भारत में प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर महज 0.75 साइकियाट्रिस्ट ही हैं। मानसिक रोगों से जुड़े विशेषज्ञों की ऐसी कमी एक बड़ी समस्या बन रही है। डॉक्टर धमीजा, आपके हिसाब से इस चुनौती से आखिर कैसे निपटा जा सकता है? न केवल साइकियाट्रिस्ट या मनोरोग चिकित्सक की कमी है बल्कि इससे जुड़े और जो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकियाट्रिक सोशल वर्कर्स हैं, इन सब की भी कमी है। हमें चाहिए कि हम देश में इन लोगों को भी ट्रेन करें, इन लोगों की संख्या भी बढ़ाएं। नेशनल मेडिकल कमीशन जो बनाया गया है उस हिसाब से MD साइकियाट्री की सीटें डबल कर दी गई हैं पिछले कुछ वर्षों में, ताकि देश में मनोरोग चिकित्सक जो हैं ज्यादा से ज्यादा हों। लेकिन इनके साथ साथ हमें अपने स्वास्थ्य ढांचे को भी सुदृढ़ करना चाहिए। इसके साथ साथ हमें देश के लोगों को भी जागरूक करना है। जब हम ये महसूस कर रहे हैं कि हमारा कोई सगा संबंधी या हमारे किसी परिचित को कोई मानसिक बीमारी है, तो किन लक्षणों पे ध्यान देके हम उनकी पहचान कर सकते हैं ताकि हम विशेषज्ञ के पास जा सकें? देखिए, मानसिक रोग बहुत तरह के हो सकते हैं, चाहे वो मेजर साइकोटिक प्रॉब्लम्स हों या फिर डिप्रेशन है जिसमें अल्टीमेट सुसाइडल टेंडेंसी भी हो सकती है। आत्महत्या का जो विचार आना भी एक मेडिकल इमरजेंसी है, और अगर ऐसा आपके परिवारजन को, किसी को भी, आप मित्र को या आपके समाज के किसी व्यक्ति को लगता है कि ये ऐसे विचार आ रहे हैं या प्लानिंग हो रही है, तो उसको शीघ्र ही हॉस्पिटल लेके आना चाहिए, क्योंकि वो क्राइसिस का टाइम रहता है, और क्राइसिस अगर हम टाइट कर सकते हैं
तो फिर वो विचार बदल भी सकते हैं और वो क्राइसिस निपट सकता है। इसके अलावा बाइपोलर डिसऑर्डर्स और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, बिहेवियर प्रॉब्लम, ये सब भी एक मानसिक रोग के लक्षण हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों में बिहेवियर में चेंज आना, ज्यादा गुस्सा होना, एक ही बात को बार बार रिपीट करना, बहुत ज्यादा तेजी से बोलना, या फिर बिल्कुल चुप रहना, या रोने का मन करना, या भूख नहीं लगना, या नींद नहीं आना, या किसी भी कार्य करने की रुचि नहीं रहना, या हिम्मत नहीं रहना, ये सब जो लक्षण हैं डिप्रेशन के लक्षण हो सकते हैं। और ऐसे ही स्किजोफ्रेनिया है या मेजर साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं, वो भी एक तरह के हॉस्पिटल में आने के ये लक्षण है कि आप ऐसे मरीजों को पहचानें और उनको हॉस्पिटल में लेकर आए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और समाधान पर चर्चा। प्रतिभागी थे मानव व्यवहार और संबंध विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉ राजेंद्र के धमीजा और आकाशवाणी संवाददाता ओमवेश उपाध्याय। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा होने का उत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा की जानकारी दी जाती है। आज की कड़ी में हम उन महान कलाकारों की उपलब्धि आप तक पहुंचा रहे हैं जिन्हें वर्ष 2001 से दादा साहब फाल्के पुरस्कार से अलंकृत किया गया है। दादा साहब फाल्के अवार्ड भारतीय सिनेमा के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। वर्ष 2001 में रूमानी फिल्मों के सक्षम चितेरे यश चोपड़ा को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सदाबहार सुपरस्टार देवानंद को भी इस विशिष्ट सम्मान से अलंकृत किया गया। इंसान के अंदर का लोहा अपनी चमक दिखाने के लिए मौके की ताक में रहता है और जब मौका आता है तो वो ये नहीं देखता कि उसकी बीवी का दिल टूटता है या उसकी माँ का दिल टूटता है या उसकी प्रेमिका का दिल टूटता है। बांग्ला लेखक और भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण फिल्म निर्माताओं में शुमार मृणाल सेन, मलयाली भाषा में नई धारा फिल्म आंदोलन के प्रणेता अडूर गोपालकृष्णन, महान फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल, कला फिल्मों के निर्माता तपन सिन्हा और शास्त्रीय संगीत को कुशलता से फिल्म संगीत में पिरोने में माहिर विशिष्ट गायक मन्ना डे को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से अलंकृत किया। कैमरामैन वीके मूर्ति, जिन्होंने भारत की पहली सिनेमा को फिल्म कागज के फूल का फिल्मांकन किया। तेलुगु तमिल फिल्मों के निर्माता डी रामानायडू, जिनका नाम 9 भाषाओं में फिल्में बनाने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अंकित है, और तमिल फिल्म निर्माता के बालाचंदर, जिन्होंने कमल हासन, रजनीकांत, श्रीदेवी और चिरंजीवी जैसे कलाकारों को पहला अवसर दिया, इस पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। बंगला फिल्मों के अभिनेता सौमित्र चटर्जी, जो फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय फिल्म कलाकार हैं, दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले अन्य फिल्मी हस्तियों में हिंदी फिल्म अभिनेता प्राण, गीतकार गुलजार, अभिनेता और निर्माता शशि कपूर, भारत कुमार के नाम से लोकप्रिय अभिनेता मनोज कुमार, तेलुगु फिल्म निर्माता के विश्वनाथ, हिंदी फिल्मों के अभिनेता विनोद खन्ना, हिंदी सिनेमा के पहले एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन भी शामिल हैं। अमिताभ बच्चन को वर्ष 2018 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से अलंकृत किया गया। विजय दीनानाथ जॉन, पूरा नाम, बाप का नाम दीनानाथ जॉन, माँ का नाम सुहासिनी जॉन, गांव मांडवा, उम्र 36 साल 9 महीना 8 दिन, 16 घंटा चालू है। सुपरस्टार रजनीकांत को ये प्रतिष्ठित सम्मान वर्ष 2019 में मिला। पड़कले का मरल बचिकिटे मीसिया मुर्गिकिटे लुंगी कटिकिटे नंबी यार ए कब्बाली आप ये सुन रहे हैं कुरिंजी सुन रहे हैं जुमा आप ये वंद निपाने अंधामारी कबाले नंचिया रहा। हिंदी फिल्मों की चर्चित अभिनेत्री आशा पारेख को वर्ष 2020 में सिनेमा के इस महानतम पुरस्कार से अलंकृत किया गया।
ये आकाशवाणी है। भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। दक्षिण अफ्रीका ने जीत के लिए भारत को 100 रन का लक्ष्य दिया था। भारत ने 19 ओवर एक गेंद में 3 विकेट पर 105 रन बनाकर मैच जीत लिया। मोहम्मद सिराज को इस श्रृंखला में लगातार श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। आज विश्व गठिया दिवस है। इसका उद्देश्य लोगों में वात रोग से संबंधित विकारों और उनसे बचाव के संबंध में जागरूकता पैदा करना है। इस वर्ष इसका विषय है, ये आपके हाथों में है, आप कदम उठाएं। जोड़ों के पास लाली, दर्द, सूजन और अकड़न वात रोग यानी गठिया के लक्षणों में शामिल है। कश्मीर घाटी में कल श्रीनगर लेह राजमार्ग में जोजिला पर्वत सहित ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात हुआ, जबकि मैदानी इलाकों में वर्षा हुई, जिससे समूची कश्मीर घाटी में तापमान में गिरावट आई है। कश्मीर घाटी में ऊंचाई पर स्थित चोटियों सहित उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में गुलमर्ग पर्यटन केंद्र में हल्का हिमपात हुआ, जबकि पहलगाम, काजीगुंड, बनिहाल, गुलमर्ग और अन्य भागों में वर्षा हुई, जिससे कश्मीर घाटी में तापमान में गिरावट आई है। दक्षिण कश्मीर में शोपियां जिले को जम्मू के पुंछ जिले से जोड़ने वाले मुगल रोड पर इस मौसम का पहला हिमपात दर्ज किया गया। इस बीच जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सर्दियों के लिए विभिन्न विभागों की तैयारियों की कल उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा की। इस बीच दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं हल्की या तेज बारिश हो सकती है। तापमान 20 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। श्रीनगर, लेह और गिलगित में बादल छाए रहेंगे, तापमान 9 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। और फरहत, अब आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी चंद्रिका, आज प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने महाकालेश्वर के नए परिसर के लोकार्पण समारोह की विभिन्न छटाओं को रंगीन चित्रों में सबसे ऊपर दिया है। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, राष्ट्र को समर्पित महाकाल लोक। दैनिक जागरण लिखता है, भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना का नया शिलालेख, राष्ट्र को समर्पित। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य को शीर्षक बनाया है, सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए सांस्कृतिक उत्कर्ष आवश्यक। अमर उजाला की खबर है, केंद्र सरकार ने आपदा राहत राशि बढ़ाकर 50% तक की। बाढ़, बारिश और फसलों के नुकसान पर मिलेगा ज्यादा मुआवजा। पशुपालकों, मछली पालकों और हस्तशिल्पियों के लिए भी राशि बढ़ाई गई। महाराष्ट्र की राजनीति पर भी अधिकांश अखबारों की नजर है। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, शिंदे को मिली ढाल और तलवार, मशाल से होगी भिड़ंत। जनसत्ता ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को विस्तार से मुखपृष्ठ पर दिया है। कई अखबारों ने देश के 50वें प्रधान के रूप में न्यायाधीश चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश को भी पहले पन्ने पर दिया है। समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव को अंतिम विदाई देने पहुंचे बड़ी संख्या में लोगों के अलावा बड़ी हस्तियों अनिल अंबानी, रामदेव, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के श्रद्धांजलि देने को नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, लोकसत्य और दैनिक ट्रिब्यून ने पहले पन्ने पर दिया है। राष्ट्र सहारा ने लिखा है, नम आंखों से दी नेताजी को अंतिम विदाई। हिन्दुस्तान ने लिखा है, आतंकी फंडिंग में एनआईए की 18 स्थानों पर छापेमारी। हिन्दुस्तान ने लिखा है, 10 साल पुराना आधार कार्ड अपडेट कराना आवश्यक, नवीनतम विवरण दर्ज कराना जरूरी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का लोकार्पण किया। कहा, नया भारत अपने प्राचीन मूल्यों को लेकर आगे बढ़ रहा है तथा धर्म के साथ विज्ञान और अनुसंधान की परंपरा को पुनः स्थापित कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से त्रिपुरा, असम के 3 दिन के दौरे पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, भारत G20 समूह की 1 वर्ष की अध्यक्षता के दौरान वैश्विक संस्थानों को सुदृढ़ करने को प्राथमिकता देगा। भारत ने कहा, अफ्रीका की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे आतंकी संगठनों पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का ध्यान देना जरूरी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर अनुमानों में कटौती की। चीन में कोविड के नए अत्यधिक संक्रामक वेरिएंट का पता चला। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।